हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है मैं दिखाऊंगा कि 28,000 छात्रों का जो है कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट वो जारी कर दी गई है। अगर आपकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो दोस्तों इस लिस्ट में जो आपको मैं लिस्ट दिखाने वाला हूँ, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC या माइनॉरिटी, सभी जो है भाइयों का जो है लिस्ट, अगर वो एक्सेप्टेड है वो भी नाम दिख रहा है इसमें, अगर रिजेक्टेड है वो भी नाम दिख रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूरा मतलब कि आपको लिस्ट लेकर के आ गया हूँ, जो UP स्कॉलरशिप के एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट हैं वो भी आपको जो है कैटेगरी वाइज, जैसे कि ST स्टूडेंट हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, सभी स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट वो जारी कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। चाहे वो किसी भी स्टेट से, आप मतलब कि अपने स्टेट यूपी के स्टेट से, किसी भी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक तीन लिस्ट मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे 149 PH का ये लिस्ट है, और एक लिस्ट है OBC की, वो भी लगभग 300 PH की है, और एक लिस्ट है आपकी ST की, वो भी यहाँ पे जो है 300 से 400 PH की है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ST कैटेगरी की है ये फॉर्म, जिसका एक्सेप्टेड है PFMS पे या फ्रेश है लॉगिन, यानी कि सभी का जो है हर एक स्टेट का स्टेट वाइज जो है ये लिस्ट अभी जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मतलब आप चैनल पे यार नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस लिस्ट को आपको पूरा यहाँ पे मतलब कि कैसे सर्च करना है अपना नाम, इतने बड़े लिस्ट में आपको अपना नेम कैसे सर्च करना है, मान लो यहाँ पे ऐसे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम सर्च करना है, कैसे सर्च करेंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इस सर्च बॉक्स में अपना जो है कुछ भी नेम, जैसे मैं सर्च करता हूँ मान लीजिए मोहित, तो कुछ भी नेम आप अपना सर्च करेंगे, पूरा मतलब पूरा नेम सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया लड़के का नाम मोहित नाम का। तो ऐसे ही आपको सर्च करना है, यही दिमाग लगाना है। तो इस ये डिप्लोमा का छात्र है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेनुअल का छात्र है, UPBTE का छात्र है, उसका जो है फॉर्म, उसका जो है फॉर्म तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है कि नहीं है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसका फॉर्म जो है ये बोर्ड अदरवाइज इंटर का है, एक्सेप्टेड यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्टेड लिखा है। तो ऐसे छात्रों को डरना नहीं है, इनका जो लिस्ट जो है ये रिलीज करने का यही है कि जिन छात्रों का एक्सेप्टेड है वो अभी शांत रहें, यानी कि उनको करेक्शन नहीं करना है। जिन छात्रों का एक्सेप्टेड नहीं है वो भाई तुरंत जा कर के अपने कॉलेज में एक ऑफलाइन जो है तरीके से वहाँ पे करेक्शन चालू हो गया है, तो आप अपना करेक्शन करें। और मैं सेकंड लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ये ST की लिस्ट है, आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाए दोस्तों, यहाँ पर कोई फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसके बाद चलता हूँ, आपको जो है यहाँ पे जनरल वालों की लिस्ट दिखाता हूँ। जनरल वालों की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कि जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उन छात्रों का जो है ये लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनमोल कुमार हैं, फादर नेम जो है मनोज कुमार हैं, तो IIT के छात्र हैं, फ्रेश हैं। यहाँ पे आपको जनरल दिख रहा होगा, यहाँ पे जनरल ये देख सकते हैं जनरल हैं। स्टूडेंट अपलोडेड फॉर ये अप्लाइड जो है ITI के छात्र हैं, 6 महीने का कोर्स है इनका। तो इनका फॉर्म जो है आपको दिखाता हूँ स्टेटस, इनका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड है। उसके बाद ऐसे कई छात्र हैं, अपना नेम आप यहाँ पे डायरेक्टली, अगर जनरल के छात्र हैं तो अपना नेम जो है डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 338 PH का ये मतलब कि आया है, पूरा का पूरा 338 PH का मतलब कि ये लिस्ट है। तो आप जा करके यहाँ पे अपना सर्च बॉक्स में अपना नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नेम इसमें नहीं है तो आपको डरना नहीं है, आपका नेम जो है इसमें अगर नहीं तो डरना नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इसमें नेम एक्सेप्टेड और यानी कि जिसका कुछ दिक्कत था उसको मतलब यहाँ पे उसका नेम दिया गया है। अगर आपका एक्सेप्टेड डाटा है तो अगर आपका मतलब कि अगर प्रोसेसिंग में भी दिखा रहा है PFMS पे तो आपको डरने की बात नहीं है। जैसे कुछ फंड अगर मतलब जैसे समाज कल्याण ने बताया था, अगर फंड प्रोवाइड किया जाता है तो आपको स्कॉलरशिप जल्द से जल्द भेजी जाएगी। सेकंड जो थर्ड जो है लिस्ट है वो है किसकी, OBC की। आप कहेंगे कि OBC वाले हमें दिखाए ही नहीं, तो OBC की भी ये लिस्ट है वो आई हुई है। कितने पेज की है, 232 पेज की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी का जो है सभी छात्रों का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कास्ट OBC दिख रहा है ना, तो OBC कैटेगरी के फ्रेश और रिन्यूअल यानी कि जितने भी छात्र थे
उन सात छात्रों का जो है लिस्ट वो जारी कर दिया गया है, चाहे वो रेनुअल हो चाहे वो फ्रेश छात्र हो। तो यहाँ पे जा करके अपना जो है आप यहाँ से सर्च बॉक्स में अपना नेम, जो भी आपका नेम है चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी दे देगा, तो उसमें आप अपना नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं आता तब भी कोई मतलब कि डरने वाली बात नहीं है, आप मतलब कि सेफ जोन में हैं। तो ये उनका था जिनका भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में मतलब कि आया था। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग लगभग यहाँ पे कम से कम 20 से 28 हज़ार छात्रों का जो है नेम इसमें दिया गया है, इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए और इस लिंक, इस मतलब कि लिस्ट को आप देख सकते हैं और अपना नेम भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यार यही बताना था, जैसे कुछ और अपडेट आएगा तो मैं अपने इसी चैनल पर अपडेट आपको सभी ये मतलब कि विद इन 5 मिनट में देता रहूँगा। तो यार दोस्तों चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।